हर हर महादेव। दिल्ली से ये जो है एक शर्मा जी हैं मनदीप जी, इनका एक बहुत सार्वजनिक प्रश्न है, अति श्रेष्ठ है। ये पूछ रहे हैं क्या निर्जल उपवास में या और भी किसी उपवास में दंत धावन करना चाहिए, मंजन या ये जो है दातुवन, दातौन जो करते हैं दतुवन वृक्ष के काष्ठ से, ये करना चाहिए, एक प्रश्न। दूसरा इनका और प्रश्न है व्रत से संबंधित ही, कि निर्जल व्रत में उपवास में क्या हम आचमन कर सकते हैं। तो देखिए अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो ये है कि उपवास में दंत धावन मंजन या ब्रश नहीं करना है। ब्रश तो झूठा होता है रोज का उस व्यक्ति का ही, प्लास्टिक होती है तो वो तो मुंह में डालना ही नहीं चाहिए, खास रूप से व्रत वाले दिन तो बिल्कुल ही नहीं डालना चाहिए। और मंजन भी न करे कोई जो है, दतुवन इत्यादि नहीं करना चाहिए। तो उस दिन क्या करना चाहिए कि 12 या 16 कुल्ले और ज़्यादा कर लेना चाहिए। जिस दिन दंत धावन करने का शास्त्रों में निषेध है उस दिन और ज़्यादा जो है, वैसे तो 12 करता है, दांतों के बाद 12 कुल्लों का विधान है, 12 गंडूष, द्वादश गंडूषान को या अगर द्वादश नहीं करे तो 16 करे, 16 या 12 और करे, वो तो मंजन के बाद करता ही है, दंत धावन के बाद ही 12 लिखे ही हैं, लेकिन जिस दिन नहीं करना है तो 24 करे। ये कहने का तात्पर्य दंत धावन क्यों नहीं करना चाहिए, क्या हो जाता है, तो देखिए स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि उपवासे नवम्याम च षष्ठ्याम श्राद्ध दिने रवौ ग्रहणे प्रतिपद दर्शे न कुर्यात् दंत धावनम्, क्योंकि दंतानाम काष्ठ संयोगा दहत्या सप्तमम कुलम, ये लिखा रहता है। उपवास जिस दिन उपवास हो उस दिन नौमी में षष्ठी तिथि में श्राद्ध वाले दिन रविवार में ग्रहण हो उस दिन और प्रतिपदा तिथि में तथा अमावस्या में न कुर्यात् दंत धावनम्, दंत धावन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दंतानाम काष्ठ संयोगा, अगर दांतों से आपने काष्ठ लगाया वो लकड़ी ली तो दहत्या सप्तमम कुलम, आपके जो है 7 कुल जो है दग्ध होते हैं, वो जो है कष्ट पाते हैं, इसलिए पितरों को कष्ट न मिले इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। उस जिस दिन निषिद्ध है उस दिन दंत धावन के निमित्त 12 कुल्ले और कर लेना चाहिए। अब देखिए इन्होंने ये कहा था क्या जल के अभाव में भी आचमन हो सकता है, हाँ जल के अभाव में आचमन का विधान है, जल नहीं हो अंगुली। एक बात और बतला देते हैं कि ये अंगुली से दंत धावन नहीं करना चाहिए, तर्जनी से, क्यों निषेध लिखा है, क्षण साकम तुला मांसम तर्जन्या दंत धावनम केवलम लवणम पूगी सड़ैते गोमांस भक्षणम। ये गोमांस भक्षण का उसको पातक लगता है, तुला हुआ मांस लेता है और सण का या साक बना के खाता है और तर्जनी से दंत धावन करता है और केवल सुपारी कतर के जो खाता है और केवल नमक खाता है, कोई केवल नमक, केवलम लवणम पूगी, ये गोमांस समम स्मृतम, ये गोमांस के बराबर बतलाए गए, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। और वृक्ष की जो है प्रार्थना करके ही जो है ये दांतों लेना चाहिए। अब बता रहे जल के अभाव में भी आचमन होता है, शास्त्रों में लिखा रहता है कि छ्रुते निष्ठीवने सुप्ते परिधानेश्रु पातने पंच श्वेते सुचाचा में श्रोत्रम व दक्षिणम स्पृशे। अगर छींक आ जाती है, कोई थूक देता है, आजकल तो लोग बार बार थूकते रहते हैं, तो थूकने के बाद भी आचमन का विधान है, छींक आने के बाद आचमन का विधान है,
अगर सो गए, निद्रा आ गई, जागे तो जागने के बाद फिर आचमन करे। श्रुते निष्ठीवने सुप्ते परिधाने, यदि कोई नया वस्त्र पहन लिया तो फिर आचमन करना चाहिए। अश्रुपातने, यदि आपका किसी दुख में आंसू निकल गए तो वो जो आपको अपवित्र कर देते हैं। यदि भगवान की कथा में ये गदगद होकर के जो अश्रुपात होता है, मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद गिरा नयन बहनीरा, वो जो स्थिति बन जाती है वो शरीर को पवित्र कर देती है, आपके जन्म जन्मांतर के कलमशों का जो शमन कर देती है वो अश्रुपात, अश्रु की बिंदु धारा। लेकिन यदि वैसे किसी के दुख में अश्रु निकल गए, आंसू निकल गए, माता बहनों की कुछ सुनते तो रोने लगते हैं, तो वो अशुद्धि आ जाती है। श्रुते निष्ठीवने सुप्ते परिधाने अश्रुपातने, इन पांचों जगह पे पंचस्वेतेसु एतेसु पंचसु आचामे, आचमन करना चाहिए जल से। और यदि जल नहीं है तो श्रोत्रम्बा दक्षिणम स्पृशेत, तो दाहिने कान का स्पर्श कर लेना चाहिए तो भी वो आचमन के समान माना जाता है। भाई दाहिने कान में ऐसा क्या है? जैसे कोई गलती कर देता था ना, बच्चे झूठ बोल जाते थे तो कान पकड़वाते थे, भाई कान पकड़िए। क्यों कान क्यों पकड़वाते हैं? क्योंकि झूठ बोलने से अशुद्धि आ गई और अब अशुद्धि की शुद्धि होनी चाहिए, तो वहाँ कोई जल नहीं है तो वो कान पकड़ ली जाएगा कि भाई हमने कान पकड़ के शुद्धि कर ली, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। एक तरीके का ये प्रायश्चित भी है, सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार करना और आगे न करने का वचन देना और कान पकड़ करके अपनी शुद्धि करना। तो कान में क्यों शुद्धि हो जाती है, कान में क्या है? तो कहा गया है कि दाहिने कान में भगवती भागीरथी गंगा जी का वास होता है। गंगा च दक्षिणे श्रोत्रे नासिकायाम हुताशन और उभयो स्पर्शने चैव तक्षणात् देव शुद्ध्यति, ये भी वचन है। गंगा का वास जो है कान में, इसीलिए हम लोग कान पर जो है यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं, जब लघुशंका या दीवशंका के निमित्त जाते हैं तो कान पर जनेऊ चढ़ा लेते हैं, ताकि गंगा जी का वास है वहाँ यज्ञोपवीत पवित्र रहेगा। गंगा च दक्षिणे श्रोत्र नासिकायाम हुताशन और नासिका के अग्रभाग में अग्नि का वास है, तो जल से भी शुद्ध होते हैं और वो भगवती गंगा और फिर अग्नि भी शुद्धि का हेतु है। तो उभयो स्पर्शना देवा, नासिका का और कर्ण का अगर स्पर्श कर लिया जाता है तो तत्क्षणात् एव शुद्ध्यति, उसी समय वो शुद्ध हो जाता है ना। अगर हाथ कोई ऐसे किसी में कार्य में बिगड़े हुए हैं, गलत हैं, तो भगवान भवन भास्कर सूर्य का दर्शन करने पर ब्राह्मणों के चरणों का, आचार्य गुरुजनों के चरणों का, माता पिता के चरणों का, गऊ का, गंगा का और भगवान का दर्शन करने से भी जो है पवित्र हो जाता है व्यक्ति। ऐसी धूलियां हैं जो हमने बताया है पीछे, उनका स्पर्श करने से भी पवित्र हो जाता है। और तो और यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतर शुचि, अगर भगवान श्री हरि का, अपने इष्ट का, भगवान विष्णु का जो अगर हृदय में पुंडरीकाक्ष भगवान श्री हरि का ध्यान कर लेता है तो बाहर भीतर सब जगह शुद्ध हो जाता है। इसलिए ये शुद्धि के हेतु हैं। परंतु अगर जल है तो जल से ही आचमन करना चाहिए। और एक और बात बताएं कि ये जो निर्जल व्रत किया है, निर्जल व्रत में भी उपवास में भी एक ही बार जलपान होता है। असकृत जलपानाच सकृत तांबू चरवणात है ना, देवा स्वपनाच मैथुनाच उपवास प्रदुष्येत देवा स्वपनाच मैथुनात, दिन में ये उपवास भी जो खंडित हो जाता है कि उपवास में एक ही बार जलपान होता है, ये मैं बतला चुका हूँ। तो अगर आचमन करते हैं तो दो बार वो जलपान नहीं माना जाएगा, और यदि आप निर्जल व्रत करते हैं तब भी यदि आप आचमन करते हैं तो वो जलपान नहीं माना जाएगा, तो आप जल से आचमन कर सकते हैं। और संकल्प में भी जो है आज मैं निर्जल व्रत करूँगा, अद्य निर्जल व्रतम करिष्ये है ना, तो अब क्या है कि आचमन में पिए जाने वाले जल को छोड़ करके, ये बोलना पड़ेगा, आचमन व्यतिरिक्त, आचमन को छोड़ करके, आचमन व्यतिरिक्त अद्य जलपानम न करिष्ये, जल त्याग रूप व्रतम करिष्ये, निर्जल व्रतम करिष्ये, जो भी अपना संकल्प करना हो, भावना करना हो,
है ना, तो अपना जो है मुख्य रूप से संकल्प करना चाहिए। आचमन व्यत्य रूप जल त्याग रूप निर्जल व्रतम हम कहिष्ये, इस तरीके से तो ये जो है वो आचमन उसमें किया जा सकता है। हर हर महा